बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू द न्यू टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर और फंक्शंस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शंस कैसे रिलेटेड है और इसमें कौन सा रिलेशनशिप है। यूजिंग फंक्शन वी कैन पास स्ट्रक्चर इज अ फंक्शन आर्गूमेंट एंड वी कैन ऑल्सो रिटर्न स्ट्रक्चर फ्रॉम फंक्शन। ठीक है, जब फंक्शन की बात आती है तो फंक्शन में हमारे पास या तो हम कुछ फंक्शन को पास करते हैं या उससे कुछ रिटर्न करते हैं। ठीक है, सिनेरियो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैन बी पास्ड टू अ फंक्शन थ्रू इट्स ऑब्जेक्ट, देयरफॉर पासिंग स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन और पासिंग स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट टू द फंक्शन इज द सेम थिंग बिकॉज स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि स्ट्रक्चर कैन बी पास्ड टू अ फंक्शन थ्रू इट्स ऑब्जेक्ट, या बाय ऑब्जेक्ट आप स्ट्रक्चर को फंक्शन को पास कर सकते हैं। देयरफॉर पासिंग स्ट्रक्चर टू अ फंक्शन और पासिंग स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट टू अ फंक्शन इज द सेम थिंग। तो ये दोनों तकरीबन सेम थिंग है। अगर आप डायरेक्टली कह दें कि स्ट्रक्चर हम पास करते हैं या आप स्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम पास करते हैं, ठीक है, जो रेफरेंस होगा रिप्रेजेंट। अच्छा, लाइक नॉर्मल वेरिएबल स्ट्रक्चर वेरिएबल स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट, नॉर्मल वेरिएबल की तरह स्ट्रक्चर वेरिएबल या स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट कैन बी पास्ड बाय वैल्यू कैन बी पास्ड बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस एड्रेस। तो नॉर्मल फंक्शन की तरह, जिस तरह हम नॉर्मल फंक्शन में वो कर रहे थे, तो हम वैल्यूज बाय पासिंग आर्गूमेंट्स का जो टॉपिक हम कर रहे थे, उधर हमने दो दो तरीकों से आर्गूमेंट्स पास किए थे, एक पासिंग बाय वैल्यू थी और एक पासिंग बाय एड्रेस या रेफरेंस थी। ठीक है, तो आज हम इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि पासिंग बाय वैल्यू, पासिंग स्ट्रक्चर बाय वैल्यू। अगर आप स्ट्रक्चर को पास करते हैं एक फंक्शन को बाय वैल्यू, तो आप किस तरह पास कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस अप्रोच द स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट इज पास्ड इज अ फंक्शन आर्गुमेंट टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, यानी डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को हम क्या पास करते हैं, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट पास करते हैं। हियर ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटिंग द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर विद देयर वैल्यूज। ठीक है, उसमें क्या होंगे, उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट में आपके पास स्ट्रक्चर के मेंबर्स होंगे। तो यहाँ पे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि मैं नॉर्मल फंक्शन का थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि नॉर्मल फंक्शन क्या होता है और उसको हम कैसे वैल्यूज पास कर सकते हैं और उसे हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, आपके पास एक फंक्शन है और फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर है, एडिशन इस फंक्शन का नाम है और इसका रिटर्न टाइप आपके पास इंटीजर है। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इसको जब हम कुछ आर्गूमेंट्स भेजते हैं तो इन आर्गूमेंट्स को ऐड करके आपको क्या कर देगा, रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। तो हम फंक्शन को किस तरह कॉल कर सकते हैं, देखो एक वेरिएबल हमने लिया हुआ है इंटीजर टाइप का, उसको हमने 5 असाइन किया है और इस वेरिएबल को हम पास करते हैं। जब हम इधर इसको पास करते हैं तो क्या होगा, इस वेरिएबल की एक कॉपी क्रिएट होगी और वो इधर आएगी। ठीक है, ये वेरिएबल बाय वैल्यू आएगा, यानी इसकी कॉपी क्रिएट होगी। ठीक है, इस तरह नहीं होगा कि बाय रेफरेंस आएगा, ये वेरिएबल यहाँ पे बाय वैल्यू आएगा। आगे हम पहले डिस्कस करते हैं कि बाय रेफरेंस कैसे आएगा। ठीक है, बाय रेफरेंस कैसे आएगा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, तो पहले हम जाते हैं पासिंग वैल्यू बाय बाय वैल्यू। ठीक है, पासिंग आर्गुमेंट बाय वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें स्ट्रक्चर को हमने पास किया है बाय वैल्यू। ठीक है, बाय रेफरेंस नहीं बल्कि बाय वैल्यू। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का नाम आपके पास एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास ये डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है, आपके पास आईडी है, दूसरा आपके पास नेम है, तीसरा आपके पास एज है और चौथा जो है वो आपके पास सैलरी है और इसका लॉन्ग टाइप है, इसका इंटीजर है, इसका कैरेक्टर है और इसका भी इंटीजर है। तो यहाँ पे आप देख ले, एक प्रोटोटाइप आपने बनाया है फंक्शन का, प्रोटोटाइप आपने बनाया है, फंक्शन को आपने डिक्लेयर किया है और इसका टाइप अगर आप देख ले तो वो नॉर्म वो क्या है, वो आपके पास स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था, लेकिन आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज दिस, तो आप उनको कह देंगे कि आपके पास एक वेरिएबल है और ये इसका टाइप है। तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर क्या है, टाइप रिप्रेजेंट करता है, या एम्प्लॉय का एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, या आपके पास यूजर डिफाइंड टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, तो फंक्शन को हमने इधर डिक्लेयर किया है क्योंकि हमने फंक्शन को लास्ट में डिफाइन किया है, तो इसलिए हमने टॉपिक डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें मेन फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए एक और तरीका है, एक तरीका तो ये था कि हम इस तरह कर रहे थे,
लेट सपोज आपके पास आईडी है, तो हम क्या कर रहे थे, हम इस तरह करके ई एम पी डॉट हम इस तरह कर रहे थे। लेट सपोज मैं आईडी को इनिशियलाइज करता हूँ, इस तरह कर रहे थे। फिर अगर हम नेम को इनिशियलाइज कर रहे थे तो हम इस तरह करते ई एम पी, ठीक है। ईएमपी आपके पास आ गया, ठीक है, सॉरी ईएमपी डॉट। फिर मैं नेम को अगर इनिशियलाइज कर रहा था तो हम इस तरह कर रहे थे, ठीक है, इसको वैल्यू असाइन कर रहे थे, एंड सो ऑन। यानी हम अलग अलग सारी चीज़ों को इनिशियलाइज कर रहे थे, सारे डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कर रहे थे। तकरीबन यहाँ पे 4 लाइन बनते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक लाइन के अंदर इनको इनिशियलाइज करना चाहते हैं, यस यू कैन, तो क्या होगा, आपने ऑर्डर को फॉलो करना होगा। यहाँ पे पहले आपके पास आईडी है तो आपने ये वाले ब्रैकेट्स यूज करने होंगे, और यहाँ पे अपने सेमीकॉलन लगाना होगा, और यहाँ पे आपने जो वैल्यूज होंगे जिनसे आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं वो देने होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख ली, वन वन ऑर्डर इसका सेम है। फिर सेकेंड क्या आपके पास स्ट्रिंग है, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, स्ट्रिंग डबल कोट्स में बंद कर दें। फिर एज है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर सैलरी है तो ऑर्डर आपके पास सेम होना चाहिए। इस तरीके से भी आप स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को, यानी स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा मेंबर्स है उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और तरीका था स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को या स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख ले, हमने फंक्शन को कॉल किया है, तो फंक्शन का टाइप किया था, मैंने आपको बताया था कि फंक्शन का टाइप आपके पास स्ट्रक्चर था। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वेरिएबल, इनको हम पास करते हैं टू अ फंक्शन। फंक्शन का नाम आपके पास डिस्प्ले है, तो फंक्शन को मैंने पास कर दिया और ये इस तरह हो गया, कंट्रोल सी और इस तरह हो गया, ठीक है। तो इस तरह हो गया, इनके अंदर इनकी वैल्यूज कॉपी हो गए, इस स्ट्रक्चर की वैल्यूज इस स्ट्रक्चर के अंदर कॉपी हो गए, एक कॉपी क्रिएट हो गई। मैंने आपको बताया था कि कॉपी क्रिएट होती है, पासिंग बाय वैल्यू में क्या होती है, कॉपी क्रिएट होती है। तो इधर आ गए, अभी आप इस वेरिएबल को, इस स्ट्रक्चर वेरिएबल को यूज करके आप इनके वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। ये तो वही सिंपल और सेम तरीका है, क्योंकि हम नॉर्मली स्ट्रक्चर के वैल्यूज को या स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स को एक्सेस करते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर को वैल्यूज पास करना बाय वैल्यू, स्ट्रक्चर को आर्गुमेंट्स पास करना बाय वैल्यू। अगर आप इसको रन कर दें तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से होगा। चलिए आप देख ले, ये स्ट्रक्चर को हमने फंक्शन को पास कर दिया, और फंक्शन के अंदर हमने डिस्प्ले उसका नाम था, उसके अंदर हमने इसको डिस्प्ले कर दिया। तो ये सिंपल तरीका था पासिंग बाय वैल्यू। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।